हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे चेक करना कि गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइज, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को भी ओपन कर देना है एंड यहाँ पर वर्डप्रेस को भी हमें लॉगिन कर देना है। एंड गाइज, जैसे आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद गाइज आप आ जाते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे। तो गाइज, डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर गाइज आपको दिखाई देगा अपेयरेंस करके, और गाइज अपेयरेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे थीम एडिटर यानी कि थीम फाइल एडिटर पे गाइज क्लिक कर देना है। एंड गाइज, हम जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद गाइज आपको राइट साइड में दिखाई देगा header.php। तो गाइज, header.php में हम अपने गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड भी लगाते हैं, अपने गूगल एडसेंस का भी कोड भी लगाते हैं, जो भी कोड गाइज हमें हेड सेक्शन में लगाना होता है। तो गाइज, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे कोडिंग वाला गाइज आपको यहाँ पे शो करता है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि अपने गूगल एनालिटिक्स में आ जाना है एंड उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइज, जैसा एडमिन पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद गाइज हमें यहाँ पे डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करना है। आपको दिखा दे रहा है लिखा कि डेटा स्ट्रीम्स, तो हमें डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करना है और उसके बाद गाइज आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पर आ जाता है। तो हमें अपनी वेबसाइट पर यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है और आपको गाइज यहाँ पे दिखा देगा ग्लोबल साइट टैग। तो गाइज, हमें यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद गाइज हमें फिर से आ जाना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। और गाइज, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि हेड सेक्शन हमारे जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे गाइज आपको दिखा देगा, उसके नीचे आपको चेक करना कि मेरे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड यहाँ पे लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। तो गाइज, जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा कोई भी कोड नहीं है, इसका मतलब हमारा गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है गाइज, इस स्क्रिप्ट को गाइज आपको कॉपी कर देना है। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा कॉपी का बटन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद वर्डप्रेस में आना है और यहाँ पे हेड सेक्शन जहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहा है आपको दिखा दे रहा है गाइज, यहाँ पे हमारा हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड गाइज यहाँ पर हेड सेक्शन इन हो रहा है। तो जो भी कोड है आपके पास, गूगल एडसेंस का कोड है, गूगल एनालिटिक्स का कोड है, वो गाइज आपको हेड सेक्शन के बाद लगाना है, यानी कि जहाँ से हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है उसके बाद लगाना है और हेड सेक्शन से इन होने से पहले गाइज आपको उस कोड को लगाना होता है, यानी कि हेड सेक्शन के सेंटर में ही आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटर के एंड गाइज मैंने यहाँ पे जाके प्रेस कर दिया एंड अपडेट फाइल पे गाइज आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइज, आपको दिखा दे रहा है कि फाइल एडिटेड यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। एंड उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आ जाना है एंड यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में आ जाना है। तो गाइज, जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लोगे उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी यूज़र आएगा तो गाइज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको क्या करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है एंड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे लाइव दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा रियल टाइम। तो गाइज, आपको रियल टाइम पे क्लिक करना है और रियल टाइम पे क्लिक करने के बाद आपको गाइज यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन से कंट्रीज आ रहा, कहाँ पे आ रहा, ये सारे चीज़ें गाइज आप चेक कर सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट में जाना है एंड रियल टाइम में जाना, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें गाइज अपनी वेबसाइट की डेटा गाइज आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। तो गाइज, हमें अपने गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लगाना होता है, तब जाके गाइज हम चेक कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट में कौन आ रहा है, कौन से पेज पे विजिट कर रहा है, सबसे ज़्यादा विजिटर किस पेज पर आ रही है, सारे चीज़ें डाटा गाइज हम यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। तो हमें गाइज हमेशा चेक करना है कि हमारे गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड या गूगल एडसेंस का ट्रैकिंग कोड गाइज यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें मैनुअली भी गाइज यहाँ पर चेक करना है कि हमें यहाँ पे हेड सेक्शन के बाद हमारा यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो गाइज, आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे करके गाइज हमें यहाँ पे चेक करना है कि गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में लगा है या नहीं लगा है एंड यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये गाइज स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना है और गाइज लाइक के साथ ही साथ गाइज आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। सो गाइज, फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज आपको अपने ध्यान रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।